दोस्तों नमस्कार, मैं राजनीत कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए कृतज्ञ साथ। दोस्तों, हमारे हाथ की लकीरों में कोई ना कोई छुपा होता है, किसी न किसी का अक्स होता है, एक प्यार, एक रास्ता, एक सफर इन लकीरों में होता है। इन लकीरों में एक प्रेम की कहानी होती है। कल्पना कीजिए, इन हाथ की लकीरों में कोई ना कोई बसा रहे, कोई ना कोई छुपा रहे, किसी न किसी की कहानी इससे संलग्न हो, फिर ये जिंदगी एक खुशनुमा यात्रा बन जाती है। So, चलते हैं आज की कविता गप। आज कविता है हाथ की लकीर में छुपाया है मैंने तुम्हें, छुपाया है मैंने तुम्हें, छुपाया है मैंने तुम्हें अपने हाथ की लकीर में, छुपाया है मैंने तुम्हें अपने हाथ की लकीर में, बसाया है मैंने तुम्हें अपनी तकदीर में, छुपाया है मैंने तुम्हें अपने हाथ की लकीर में, बसाया है मैंने तुम्हें अपनी तकदीर में। मेरी आंखों में चंद सपने हैं, मेरी आंखों में चंद सपने हैं, मेरी आंखों में चंद सपने हैं, मेरे सपनों में तुम ही तुम हो। मेरी आंखों में चंद सपने हैं, मेरे सपनों में तुम ही तुम हो। गुम हूं मैं तुम में ऐसे कि लगता है तुम मुझ में गुम हो। भरोसा नहीं होता खुद के मन पे, भरोसा नहीं होता खुद के मन पे, भरोसा नहीं होता खुद के मन पे, अतुल्य है इस मन की माया। भरोसा नहीं होता खुद के मन पे, अतुल्य है इस मन की माया। तुम रची बसी हो मुझ में ऐसे, बन सा गया हूं मैं तुम्हारा साया। भरोसा नहीं होता खुद के मन पे, अतुल्य है इस मन की माया। तुम रची बसी हो मुझ में ऐसे, बन सा गया हूं मैं तुम्हारा साया। किसी दिन नभ से बरस जाना, किसी दिन नभ से बरस जाना, किसी दिन नभ से बरस जाना, मैं तुम में भीग जाना चाहता हूं। किसी दिन नभ से बरस जाना, मैं तुम में भीग जाना चाहता हूं। बादलों के पंख लगा के तुम्हें बिजली की पायल पहनाना चाहता हूं। किसी दिन नभ से बरस जाना, मैं तुम में भीग जाना चाहता हूँ। बादलों के पंख लगा के तुम्हें बिजली की पायल पहनाना चाहता हूँ। पानी सा बहते रहना संग संग मेरे, पानी सा बहते रहना संग संग मेरे, पानी सा बहते रहना संग संग मेरे, संग संग चलेंगे सरिता के तीरे। पानी सा बहते रहना संग संग मेरे, संग संग चलेंगे सरिता के तीरे। मुझ में तुम में जब भेद ना रहे, इस जग को भुला देना धीरे धीरे। पानी सा बहते रहना संग संग मेरे, संग संग चलेंगे सरिता के तीरे। जब मुझ में तुम में कोई भेद ना रहे, इस जग को भुला देना धीरे धीरे। दोस्तों, ये मेरी कविता है। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये कविता कैसे लगी। इस कविता को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली बार जब मैं नई कविता अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बताइएगा आपके हाथों में कौन छुपा है, आपके हाथों में किसकी तस्वीर छुपी है, कौन सी तकदीर छुपी है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।